एक्साइटेड से ज़्यादा नर्वस ज़्यादा हैं, क्योंकि अभी इतने टाइम से बन रहा था, फाइनली आ चुका है, तो अब पता चलेगा लोग रिएक्शंस देंगे क्या होगा, ये तो पता चलेगा। और बहुत सही टाइम पे सीरीज आई है, जब हम लोग क्लाइमेट के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि चेन्नई में क्या हो रहा है, पानी किस कैसिटी है, तो ये सीरीज़ एक तरह से बहुत एंटरटेनमेंट तरीके से हम लोगों ने ये मैसेज छोड़ने की कोशिश की है, और आई थिंक आप लोगों को पसंद आएगी ये सीरीज़। चंदन वैसे भी एक बहुत बेहतरीन एक्टर है, मतलब, और जिस तरह से वो एक कैरेक्टर को पकड़ लेते हैं, तो मेरे ख्याल से सब लोगों को एक कैरेक्टर से कनेक्शन होता है, कि आप कैरेक्टर्स को हमेशा याद रखते हो कि कौन सा कैरेक्टर अच्छा, तो बिल्कुल चंदन को देखने के लिए काफ़ी एक्साइटमेंट रहेगा लोगों में, वी आर वेरी श्योर अबाउट। एज यू नो हवा बदले हंसू है, तो हमारे कैरेक्टर चंदन भी हंसू बने हैं, तो हमारे लिए काफ़ी एक मैस्कॉट था कि मैस्कॉट ऑफ चेंजिंग कुछ इनिशिएटिव ले रहे हो, चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, तो बिल्कुल आप चंदन के साथ मैंने एक काम किया, एक शॉर्ट फिल्म किया जो अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है, और उसके साथ काम करने में मुझे बहुत मज़ा आया था। चंदन इज़ लाइक ही इज़ लाइक दिस पावर हाउस ऑफ, लाइक वो पागल है, मुझे लगता है कि ही जस्ट डज थिंग्स यू नो इन अ सीन जो कभी आपको बताता नहीं है, ही सडनली टेक्स यू बाय सरप्राइज, एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्रेट अबाउट हिम एज एन एक्टर। मुझे बहुत मज़ा आया था उसके साथ काम करके, सो व्हेन चंदन मैसेज मी दैट उसकी फिल्म हो रही है तो मैंने काम कर लिया। आई थिंक अभी उसकी मार्केटिंग फिलहाल शुरू हो रही है, उसकी इतनी धड़ल्ले से मार्केटिंग नहीं की जिस तरह जी करता है, एंड बट बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज़ है, फुटबॉल पे बन रही है। फुटबॉल के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे जो भी फुटबॉल के बारे में आज तक पता चला है या जो भी पता हुआ है मेरा, आई मीन जो मेरी नॉलेज है उसके बारे में, वो मुझे मेरे भाई से मिली है। मेरा भाई मुझसे 4 साल छोटा है और उसने पूरी लाइफ सिर्फ फुटबॉल मैचेस देखे हैं, मतलब वो इंडियन क्रिकेट पे इतना ध्यान नहीं देता जितना फुटबॉल पे ध्यान देता है, तो उसकी वजह से मुझे फुटबॉल में एक रोमांच पैदा हुआ है। एंड जब मुझे जी के सामने से कॉल आया, उन्होंने कहा कि फुटबॉल पे सीरीज़ बना रहे, मैंने कहा लो सब लोग क्रिकेट पे बनाते हैं, आप लोग फुटबॉल पे बना रहे, विच आई थिंक इज़ वेरी गुड, तो आई थिंक उसको उसी तरह सराहाया जाए जिस तरह उसको बनाया गया है। लुकिंग फॉरवर्ड, एक्साइटेड हूं, बिकॉज आई थिंक ऑटो ड्राइवर्स आर द वंस जो सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन फेस करते हैं और वो सबसे लीस्ट पोल्यूशन देते हैं बिकॉज CNG यूज़ करते हैं, सो आई थिंक इट्स अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट, और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि हम दोनों सेकेंड एपिसोड में हैं, सो एक्साइटेड टू वॉच। और बताने का तरीका बहुत अच्छा है, मतलब जिस तरह से बताया जा रहा है, बातें बताई जा रही हैं इस चीज़ में, वो बहुत कमाल की है, तो इसलिए मुझे भी लगता है कि लोगों को पसंद आएगा। हत्सु जी मस्त मौला कैरेक्टर हैं और सोचते हैं, उनकी सोच अच्छी है, सोच बड़ी है, और वो काफ़ी चीज़ें अच्छी बताना चाहते हैं लेकिन अच्छे तरीके से, फ़नी वे में, कुछ अपने अंदाज से।